हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रोस इन वर्ड प्रोसेसिंग। सिंपल से स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए, आपसे मैक्रो बहुत आसानी से बन जाएगा। सपोज आपको कोई काम करना है बार बार, जैसे आप कुछ कमांड्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आप सबसे पहले व्यूज़ में जाइए, मैक्रोज में जाइए। मैक्रोज में आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आपको चुनना है कीबोर्ड। कीबोर्ड में सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड के लिए जो भी शॉर्टकट असाइन करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल कंट्रोल वन, यहाँ पे मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, इसको आप असाइन में क्लिक करिए और इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है मैक्रोज के अंदर में। पहले हमने रिकॉर्ड मैक्रोज में क्लिक किया था, अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग और व्यू मैक्रोज नाम के ऑप्शन आ रहे हैं। अब जैसे मुझे कुछ कमांड्स देने हैं, जैसे मैं करना चाहता हूँ सबसे पहले बोल्ड, दूसरा मैं करना चाहता हूँ सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा मैं करना चाहता हूँ अपना फॉन्ट चेंज, से फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, चौथा मैं करना चाहता हूँ इसकी फॉन्ट साइज़ को 14। तो ये जो 4 से 5 कमांड्स मैंने दिए, इन सब की रिकॉर्डिंग मुझे एक साथ करनी है। अगर मुझे इन सब की रिकॉर्डिंग एक साथ करनी है तो मैं अगेन व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद मैक्रोज में क्लिक करूँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर दूँगा। तो जब कभी भी, अब जैसे मैं नॉर्मल टाइपिंग करता हूँ, नॉर्मल स्टाइल में जाके मुझे इसे नॉर्मल टाइपिंग करनी है, मैं नॉर्मल टाइपिंग कर रहा हूँ कि दिस इज माय सर्टिफिकेट। तो अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग बनानी है और उसका बहुत सारा फॉर्मेटिंग वैसे ही करना है जैसे कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल वन कीबोर्ड से आप शॉर्टकट दबाइए। तो आपने जितनी फॉर्मेटिंग करके रखी थी, बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन, उसका साइज और उसके अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और अब आप सीधे यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका समय थोड़ा सा बचता है। तो इस तरीके से वर्ड में आप मैक्रोज बना सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।